के YouTube चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज सर, जो कि दो बार राजस्थान स्टेट सर्विसेज के लिए सेलेक्ट हुए हैं, वर्तमान में राजस्थान बीमा सेवा में कार्यरत हैं। आज सर से हम उनकी स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, उनकी सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन जी। मेरी प्राइमरी एजुकेशन गाँव के सरकारी स्कूल से हुई है, उसके बाद मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो गया था। मैं 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई फिर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बुढ़वा में की है। 12वीं करने के बाद मैं बीए के लिए जयपुर चला गया था और मैंने बीए परिष्कार कॉलेज जयपुर से की है। उसके बाद मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने आरएस के दो अटैम्प्ट दिए जिसमें दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था जिससे मुझे राजस्थान बीमा सेवा का आवंटन हुआ था और अब मैं सहायक निदेशक के पद पर बांसवाड़ा में कार्यरत हूँ। जी सर, उसके बाद आपने आरएस की तैयारी शुरू की सर, तो आरएस की प्रिपरेशन की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? प्रेरणा स्रोत कौन है इसके आपके लिए? जी, इसमें प्रेरणा स्रोत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली प्रेरणा तो मुझे अपने नवोदय स्कूल से ही मिली है, जहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज विजिट करते थे टाइम टू टाइम। इसके अलावा मेरे कई गुरुजनों का भी मुझ पर विश्वास था कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जब मैं 10th में था तब मेरे 3 टीचर्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में, जिसमें एक मुकेश कलाल सर है जो अभी सीनियर स्केल के आरएस ऑफिसर है, नीरज शर्मा सर जो अभी एक्साइज डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, इसके अलावा एक और सुखदेव देवासी सर थे जो वो भी अभी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ही अधिकारी है। जी सर, तो देखिए आरएएस में सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है हमारे आज के भारतीय समाज में, क्योंकि प्रशासनिक सेवा की सबसे ए ग्रेड की जॉब आरएएस मानी जाती है सर। तो सर, जब आपका आरएएस का रिजल्ट आया, आप सेलेक्ट हुए, तो आपके परिवार वालों का, आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था इसके लिए सर आपका? जी, मेरे पेरेंट्स को तो उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा जी, बट जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, दोनों अटेम्प्ट्स में ही मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, तो उनके लिए बहुत खुशी का मौका था और बहुत खुश हुए थे वो, इवन की भावुक भी हो गए थे मेरे पेरेंट्स जी रिजल्ट देखकर। जी सर, भावुकता तो आ ही जाती है। और सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस आरएएस की प्रिपरेशन की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? कब आपने सोचा कि आप मुझे आरएएस की तैयारी करनी चाहिए? कौन सी स्ट्रेटजी आपने उसके लिए फॉलो की? आपकी बुक लिस्ट क्या रहती थी? आपके रिसोर्सेज क्या थे सर, उनके बारे में बताएं। जी, सबसे पहले जब मैं ग्रेजुएशन में था 3rd ईयर में, तभी से मैंने सीरियस होकर इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उस टाइम आरएएस एग्ज़ाम 2016 वाला पहली बार में अपीयर हुआ था जी सर, और उसके लिए मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि आपके पास मेरे पास जो सोर्स लिमिटेड सोर्स रखे थे मैंने, और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवीजन किया था जी। और रही बात बुक लिस्ट की, तो अपनी बेसिक बुक्स है जैसे एनसीईआरटी हमने जो नवोदया में पढ़ी थी जी, इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फॉलो की थी जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, और आपने सुना भी होगा हिस्ट्री के लिए आप हरीश शर्मा लेते हैं, स्पेक्ट्रम हो गई, और भी कुछ बहुत सारी जो बेसिक बुक्स थी, स्टैंडर्ड बुक्स है जिनको मैंने फॉलो किया था। सर, आपको सफलता कौन से अटेम्प्ट में मिली थी और आपका माध्यम कौन सा था तैयारी के दौरान? जी, मेरा सबसे पहले तो मीडियम हिंदी रहा है जी, और मेरे 2 अटेम्प्ट दिए मैंने आरएएस एग्ज़ाम में जी। सबसे पहले अटेम्प्ट में मैंने राजस्थान फूड एंड सिविल सप्लाईज में सबऑर्डिनेट सर्विस था जी, मुझे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर अलग हुआ था जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर था जी सर, और उसके बाद ही मैंने ये सेकेंड अटेम्प्ट दिया था 2018 में जी सर, और उसके बाद मैं राजस्थान इंश्योरेंस सर्विस में आया हूँ और अभी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ बांसवाड़ा में। सर, ये तो बहुत खुशी की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में ही आपकी पोस्टिंग मिली है। सर, मैं इसके बारे में बात करूँगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो हर बच्चे को लगता है कि मैं आज तैयारी छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो क्या ऐसा आपके साथ फील हुआ था? कभी आपको डिमोटिवेशन आया था? अगर डिमोटिवेशन आया तो आपने उसको किस तरह से मैनेज किया सर? यस, बहुत टाइम हम डिमोटिवेट फील करते हैं इस प्रिपरेशन फेज में, डिमोटिवेट हुआ मैं कई बार, और इसके लिए मैं क्या करता था, कभी कभार मेडिटेशन करता था, नहीं तो मैं 2-3 दिन के लिए पढ़ाई बिल्कुल छोड़ छाड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल जाता था जी सर, ताकि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पूरी तरह से वो फेज आपका जो डिमोटिवेशन वाला वो ड्रेन ना कर दे जी सर। तो मैं इसके बारे में पूछूंगा,
कि सर आपकी हॉबीज क्या थी। अक्सर क्या होता है, जब तैयारी हम आरएस की या बड़ी तैयारी जब हम करते हैं तो हमें अपनी हॉबीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो क्या आपको अपनी हॉबीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था सर, उसके बारे में बताएं। मेरी हॉबी, मैंने दोनों टाइम अपीयर हुआ था इंटरव्यू में, मैंने क्रिकेट ही रखी थी जी सर। और मैं हम जैसे हमें एनवायरमेंट मिला होता नवोदया में जी सर, हम क्रिकेट ही खेलते हैं जी सर, और बाकी गेम्स भी खेलते हैं, लेकिन मैं क्रिकेट ही खेला और बाद में भी क्रिकेट ही मैंने परस्यू किया था, और हॉबी भी मैंने क्रिकेट ही थी मेरी। तो उसको क्रिकेट को बाद में तो मुझे खेलने का कम मौका मिला, लेकिन उसकी बजाय मैंने क्रिकेट को फॉलो ज़रूर करता हूँ अभी भी, और जब भी टाइम मिलता हम क्रिकेट को खेलते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है, और जब प्रिपरेशन फेज होती थी हमारी, तो उसके मेंस लिखने के टाइम जब नज़दीक आ जाता था, इंटरव्यू का टाइम होता था, उस समय हम उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, और हम इसे कम कर देते, उसको टाइम कम करता था मैं जी, बिल्कुल ही फॉलो नहीं करना वैसा नहीं रहा मेरा कभी भी। सर वर्तमान में जो छात्र आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप उनके लिए कुछ डू और डोंट्स बता सकें जिससे कि उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। ओके, डूज एंड डोंट्स में मैं दो तीन पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें सिलेबस को डाउनलोड करना है, उसके सभी अलग अलग सेक्शंस है, सेगमेंट्स है, उनका जो वेटेज है उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है, और हमें किसी भी सेक्शन को छोड़ना नहीं है, उसके जो वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर करना है, जहां हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं उस पर फोकस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमें। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस पर रील्स देखना, ये ज़्यादा करते हैं हम, तो इस पर थोड़ा सा कम टाइम देना है इसे। और इसके अलावा डोंट्स में मैं बताना चाहूँगा कि हमें ओवर सोशलाइज नहीं होना है किसी भी रैंडम गाय से, हम उससे प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते फिर रहे, तो हमें एक दो हमारे फ्रेंड सर्कल है होगा हमारा, और लिमिट फ्रेंड सर्कल रखना है, उसके साथ ही सिनर्जी के रूप में हमें स्टडी करनी है, सिनर्जी बनाकर उनके साथ। और इसके अलावा हमें इम्पेशेंस शो नहीं करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत कई चरणों में होने वाला एग्ज़ाम है, तो और कभी कभार कोर्ट केसेस के कारण भी वैकेंसी अटक जाती है, तो हमें इसमें पेशेंस बनाए रखना है अपना। जी सर, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था कि आपकी एजुकेशन नवोदय विद्यालय से हुई है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी सफलता में उस विद्यालय का कितना योगदान मानते हैं सर? इसमें नवोदय का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा है जी सर, और वहाँ का इन्वायरमेंट रहा हो, यहाँ की मेंटरशिप रही हो टीचर्स की, यहाँ इसके अलावा वहाँ का जो हमें जो इनकल्केट करते हैं डिसिप्लिन अपने अंदर टीचर्स, तो वो थ्रू आउट दी लाइफ हमें काम आता है। और इवन कि अभी भी मैं ऑफिस आता हूँ तो मेरे जो डिसिप्लिन जो इनकल्केट किया था, पंचुअलिटी का और टाइमली ग्रीवांस रिडिसल करने का, या जो भी हमें इन टाइम काम करना है जी सर, तो वो हमें नवोदय से ही मैंने सीखा है। प्लस मैं मेरे जैसे हम्बल विलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले बच्चों के लिए तो ये वरदान से कम नहीं है नवोदय जी सर। और इसके बारे में हम बात करेंगे कि सर जब हम सर्विस के शुरुआती दौर में होते हैं, चूँकि आपकी बहुत कम उम्र में आपको इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार की तरफ से दे दी गई हैं, तो सर्विस के शुरुआती फेज में आपको कौन सी चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों के बारे में थोड़ा सा बता सकते? बिल्कुल, इस डिपार्टमेंट में अभी इंश्योरेंस सर्विस में आने के बाद तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई मुझे जी सर, केवल इस डिपार्टमेंट का जो स्कीम्स थी उसके बारे में मुझे अंडरस्टैंड करना था। हालांकि मुझे जब मैंने पिछली वाली सर्विस ज्वाइन की थी तब उस समय नोट शीट राइटिंग हो गई या पब्लिक डीलिंग कैसे करना है जी, इसके अतिरिक्त वहाँ के छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं डिपार्टमेंट के या और रूल्स को अंडरस्टैंड करने में जी, तो ये वो तीन चार पॉइंट्स थे जिस पर मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा था। तो ये समस्याएं हर किसी की लाइफ में आती है जब सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो इसको आप धीरे धीरे 5-6 महीने लगते हैं डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड करने में, तो सारा काम आप सीख जाते हो, आप सीरियस होकर काम करोगे। तो सर जैसे कि आपकी जो सर्विस है वो 24/7 की सर्विस है, और आपकी कुछ पर्सनल लाइफ भी है, तो मैं इसके बारे में पूछना चाहूँगा कि आप इस सर्विस के दौरान अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं सर? बिल्कुल, हमें एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ
लाइफ को बैलेंस बनाना होता है। जी सर। हालांकि सर्विस तो ये तो मेरा नॉन फील्ड जॉब है, 9 to 6 वाला जॉब है, तो इसमें मुझे ज़्यादा इशू नहीं आ रहे। हालांकि पिछला वाला जॉब था उसमें मैंने बहुत सारे वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए मुझे बहुत समय उसको देना पड़ा। और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए हमें ये करना होगा कि आप जो ऑफिस का काम है ऑफिस में ही छोड़ दीजिए, जब आप घर होते तो घर में ही टाइम दीजिए प्रॉपर, तो उसको आपको मैनेज करके चलना होगा। और खासकर फील्ड जॉब में जॉब है उनको ज़्यादा समस्या आती है वर्क लाइफ बैलेंस में, बाकी अदरवाइज आप नॉन फील्ड जॉब में हो तो ऐसा इशू नहीं आएगा। अभी इसमें जॉब में हो तो मैं 24/7 तो डिपार्टमेंट में मुझे वर्क नहीं करना पड़ता है, इवन कि सैटरडे संडे भी मुझे इतना टाइम मिल जाता है खुद की पर्सनल लाइफ के लिए। सर, आप यहाँ पर राजस्थान इंश्योरेंस सर्विस में कार्य कर रहे हैं, तो लोगों की सुविधा के लिए आप कौन कौन से बेहतर प्रयत्न इस सेवा में कर रहे हैं, उन प्रयत्नों के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा सर। बिल्कुल, मेरे चैम्बर में कोई भी आता है तो मैं उनको उनके राइट्स के बारे में अवेयर करता हूँ। जी। और इसके अलावा मैंने न्यू ईयर पे एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं डिपार्टमेंट को पेपरलेस की तरफ ले जाऊँगा। जी सर। तो उसके लिए वैसे भी अपने राजस्थान गवर्नमेंट का प्रयास जारी है कि सारा काम राजकाज पोर्टल पे ई फाइल के रूप में करना है आपको। जी सर। और डिजिटली साइन होकर सारे लेटर्स जाने हैं, तो उसके लिए मैंने इस न्यू ईयर की ईयर पे एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं मेरी ऑफिस को राजकाज पोर्टल पे शिफ्ट करूँगा। तो मैंने ये पिछले सप्ताह ही सारा काम मैंने शिफ्ट कर दिया था। आप मेरी टेबल पर कभी भी आइए, मेरी टेबल पर एक भी कागज नहीं दिखेगा, सारा काम मैं राजकाज पोर्टल पर ही कर रहा हूँ। नोटशीट से लेकर पेपर सारे लेटर साइन डिजिटली साइन होके जाते हैं। और इसके अलावा मैं टाइमली ग्रीवांस रिडिशल पे फोकस किया है मैंने। इसके अलावा मैं MPR चेक करता हूँ मेरे ऑफिस की डेली, और सारे काम मैं टाइमली करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। सर, मैं हमारी इस वार्ता को अभी समाप्त करने जा रहा हूँ, और मैं आपसे निवेदन करूँगा जो भी दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आप आखिरी मैसेज, आखिरी रूप से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें सर। बिल्कुल, मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, यहाँ जो एस्पिरेंट है अपने UPSC एग्ज़ाम्स के लिए, RPSC एग्ज़ाम्स के, तो अपने लक्ष्य पे फोकस रह के मेहनत कीजिए, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे चैनल में आए और आपने लोगों को मोटिवेट किया, और मैं दर्शकों को अनुरोध करूंगा कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो हमको आप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।